हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ सोयाबीन चावल। उसके लिए मुझे आलू चाहिए। आलू को सबसे पहले बॉईल करूँगी, उसके बाद टमाटर चाहिए, उसके बाद प्याज चाहिए और हरी मिर्च चाहिए। इन सब चीज़ों को यूज करूँगी सोयाबीन चावल बनाने में। सबसे पहले मैं आलू को बॉईल करूँगी। देखिए, मैं आलू बॉईल कर देखिए फ्रेंड्स, मैंने आलू चढ़ा दी हूँ कुकर में। अब जब तक मैं टमाटर को काट लूँगी, प्याज को भी काट लूंगी और हरी मिर्च को कट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्याज और मिर्ची को थोड़ा सा दरदरा चूर ली हूँ ग्लास में। ये देख सकते हैं किस तरह मैंने ग्लास में चूर ली हूँ। अब इसको छोड़ दूंगी। आलू भी हो गया है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, आलू भी बॉयल हो गया है। अब मैं कढ़ाई चढ़ाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, इतना सा मैं सोयाबीन ली हूँ। अब इसको थोड़ा सा गर्म पानी में बॉयल कर लूँगी। ये देखिए, सोयाबीन बॉयल हो चुका है। अब इसको इसका पानी मैं निचोड़ लूँगी ऐसे करके, फिर इसको फ्राई करूँगी। देखिए, कढ़ाई गर्म हो चुकी थी, मैंने इसमें थोड़ा सा हल्का सा तेल दे दी हूँ। अब इसमें सोयाबीन देखिए फ्राई करूँगी। सोयाबीन को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर ले। देखिए किस तरह हो रही है, थोड़ा हल्का हल्का ब्राउन। देखिए, सोयाबीन गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसको मैं थाली में निकाल लूँगी। देखिए, मैंने निकाल ली हूँ। देखिए कैसा ब्राउन हुआ है। अब कढ़ाई में मैं तेल डालूँगी। देखिए, तेल डाल दी। हो जाएगा। अब इसमें तेजपत्ता और जीरा डालूंगी। देखिए, तेजपत्ता डाल दी हूँ और जीरा डाल दी। इसके बाद इसमें मिर्च डालेंगे। देखिए, मिर्ची और प्याज का जो पेस्ट बनाई थी हल्का, वो डालूंगी। डाल दी, इसको हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। तब तक मैं मसाला रेडी कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं ले रही हूँ धनिया पाउडर, फिर ले रही हूँ गरम मसाला, फिर ले रही हूँ सब्जी मसाला, हल्का सा जीरा पाउडर ले रही हूँ और अब ले रही हूँ हल्दी पाउडर। अब इसको इसमें पानी डाल दूँगी सारे मसाला में। आप देख सकते हैं मसाला। अब इसमें पानी डाल के इसको मिक्स कर दूँगी। देखिए, प्याज ब्राउन हो गया है। अब इसमें मसाला डाल दूंगी। और इसको चलाऊंगी, इसको तब तक चलाऊंगी जब तक इसमें से तेल सेपरेट ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैं नमक अभी ही मसाला में ही दे देती हूँ। देखिए कैसे तेल सेपरेट हो रहा है। जब तक मसाला रेडी हो रहा है, तब तक मैं आलू को छील लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, किस तरह मसाला से ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसमें आलू को मैश करके डाल देंगे। सारे आलू को मैश करके डाल दूँगी। देखिए, मिक्स कर दी हूँ। कैसा लग रहा है कलर, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। जब तक ये फ्राई हो रहा है, तब तक मैं टमाटर को धो के काट लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने टमाटर काट ली हूँ और इसको अब डाल दूंगी आलू में और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। फ्रेंड्स, ये हरी मिर्च है। मुझे ऊपर से हरी मिर्च खाना बहुत अच्छा लगता है। अब भी इसको ट्राई कर सकते हैं। देखिए, मैं इसको कैसे कट करके देती हूँ। देखिए, इस तरह से आप भी काटिएगा इसको। तरह से काट के जितना मन होगा हरी मिर्च दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने हरी मिर्च दे दी हूँ। अब इसको इसके साथ में मिला दूँगी और बाद में ये हरी मिर्च खड़ा रहता है, जो कि मुझे खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप भी ट्राई कीजिएगा इस तरह। कोई भी सब्जी में आप इस तरह हरी मिर्च काट के दे सकते हैं, जो खड़ा रहेगा और बाद में खाइए, बहुत मज़ा आएगा। अभी मैं इसको झोल थोड़ा सा फ्राई होने देती हूँ अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स,
किस तरह हुआ है। अब इसमें मैं सोयाबीन जो फ्राई की थी उसको डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट तक फ्राई करूंगी, फिर इसमें पानी डालूंगी। देखिए किस तरह फ्राई हो रहा है, हो गई है लगभग 2 मिनट और चलाऊंगी फिर पानी दे दूंगी। देखिए फ्रेंड्स हो गई है, अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। जब भी आप ग्रेवी वाला सब्जी बनाइए उसमें थोड़ा गर्म पानी दीजिए। देखिए मैं गर्म पानी दे रही हूँ, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए मैंने गर्म पानी डाले, अब इसको मिला लेती हूँ, देखती हूँ कितना पानी लगेगा या नहीं लगेगा। देख सकते हैं थोड़ा और लगेगा, आप गर्म पानी ही इसमें डाला कीजिए, ज़्यादा टेस्ट बनता है, टेस्टी लगता है। हो गया, अब इसमें थोड़ा उबाल आने के लिए मैं छोड़ देती हूँ। देखिए सब्जी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा देर और इसमें उबाल आने देंगे अच्छे से, फिर बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स उबाल आ चुकी है, सब्जी बन के रेडी हो गई है। देखिए ग्रेवी थोड़ा घना हो गया है, अब इसको मैं बंद कर दूंगी, बंद कर दी, इसको ढक दूंगी। आप इस तरह बनाइए, अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।